भारत के किसी भी कोना से अगर आप पटना आते हैं तो पटना में रहने का ज़बरदस्त व्यवस्था कर दी गई है। जी हाँ, पटना नगर निगम के तरफ से बिल्कुल ही मुफ्त, बिल्कुल ही फ्री में रहने का जो व्यवस्था किया गया है, अब इस तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये है पटना नगर निगम के तरफ से अस्थाई रेन बसेरा, और इस रेन बसेरा का जो सुविधा है ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं और सुंदर सुंदर कम्बल ओढ़े हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग नहीं जाना है, इसलिए यहाँ पर अभी बहुत बेड खाली है। ये आप यहाँ पर कैसे ठहर सकते हैं, कैसे बुक करा सकते हैं, आपको कहाँ मिलेगा, यही चीज़ तमाम जानकारी देने के लिए यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं मिलती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये चीज़ बताने के लिए भैया जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातें करते हैं। ये देखिए केयर टेकर हैं, हाथ में डंडा भी लिए हुए हैं, पूरा सुरक्षा के तहत हैं। बाकी यहाँ पर देखिए रजिस्टर वगैरह है, पूरा मेंटेनेंस होगा। जरा बताइए, आइए यहाँ पर ये बताएंगे पूरा एकदम शानदार तरीके से किस तरह से यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा अजय कुमार नाम हुआ, ग्राम अवगिला थाना गौरी चौक जिला पटना के निवासी हूँ। यहाँ मैं पटना नगर निगम सफाई कर्मचारी का अथी हूँ, कर्मचारी हूँ। अच्छा। NCC का यहाँ पे हमको सुविधा दिया गया है कि जितना भी गरीब आदमी है उसको सुविधा यहाँ देना है, ओढ़ना और बिछौना का साथ उसको रात भर का सुरक्षा मेरा है। 10 से 6 बजे तक मेरा ड्यूटी है। मेरा ड्यूटी आवर में किसी का कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, इसको मेरा प्रशासन विभाग सब चीज का सुविधा है। अच्छा, यहाँ कैमरा का भी सुविधा है। एक चीज आप बताइए, एक चीज बताइए, यहाँ पर जो रहने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधा दिया गया है? यहाँ चौकी है और गद्दा है और सफेदा है और तकिया है, ऊपर से कम्बल भी है। उसको बाद में सुरक्षा के लिए हम है। अच्छा, कि उनको आराम से नींद आ सके। आप रात भर जगते हैं? हाँ, हम रात भर 6 से 10 से 6 बजे तक हमको जगना काम है। अच्छा, ये जरा बताइए CCTV कैमरा भी लगा है? हाँ। क्या कुछ CCTV कैमरा है? CCTV कैमरा में सब चेक होता है कि क्या कौन क्या कर रहा है। अच्छा, ये देखिए पूरा ये बेड है, बहुत सारे लोग जो है सो यहाँ पर सो रहे हैं। जरा आप बताइए, यहाँ अगर कोई आना चाहता है तो उसको क्या लेके आना पड़ेगा? आधार कार्ड उसको चाहिए, मेन प्रूफ उसको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड का जीरोक्स वो भी चलेगा, अगर ओरिजिनल है तो उसको आधार नंबर लेंगे, उसको मोबाइल नंबर लेंगे और उसको साइन लेंगे। पैसा कौड़ी कितना लेते हैं रहने के लिए? यहाँ पैसा रहने के लिए सरकार हमको खुद दे रहा है पेमेंट, हमको पैसा से मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ हमको सुविधा देना है। बिल्कुल, आप फ्री में रहते हैं? एकदम फ्री में रहना है। अच्छा, आप यहाँ पानी पीने के लिए भी हम फ्री करे हुए हैं। हाँ, एक लेडीज बोतल भी है और एक जेंट्स बोतल भी है। यहाँ जेंट्स का भी सुविधा है और लेडीज का भी सुविधा है, फुल सुविधा है। अच्छा, यहाँ जो है सो इसमें कौन रहेगा, इसमें लेडीज की जेंट्स? इसको मैं जेंट्स है। लेडीज किधर रहती है, दिखाई दे रहा सा? लेडीज का है, लेडीज का ये साइड में है, ये दिखाइए। बड़ा साइड में देख लीजिए, ये है पूरा लेडीज का। लेडीज का क्या गो बेड है? 15 को है लेडीज बेड। 15 को लेडीज बेड है, इसमें सिर्फ लेडीज रहेगी, इसमें कोई जेंट्स नहीं घुस सकता है। कोई जेंट्स एंट्री नहीं ले सकता है इसमें, खाली हम आ सकते हैं घूमने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि किसी तरह से हमको आदमी का किसी तरह से दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत है तो हमको बुला भी सकता है। और 30 सीट है जेंट्स के लिए। अच्छा, 30 जेंट्स के लिए और 15 लेडीज के लिए, 45 सीट यहाँ पर है। अच्छा, आप हाथ में डंडा भी रखे हैं? हाथ में डंडा नहीं रखेंगे तो 45 आदमी के सुरक्षा हम कैसे करेंगे? कोई चोर उचक्का आ जाए तो उसको हम पीटेंगे, प्रशासन बुलाएंगे। हाँ। मेरा जो कर्मचारी अथी है उससे हम सुविधा लेंगे। बिल्कुल। हमको ऑलरेडी सुविधा है, पूरा सुविधा है, सभी का सुविधा है। चलिए, धन्यवाद, हर चीज आपको बता दिए। और आप देख लीजिए बेड पूरा साफ सुथरा एकदम चकाचक, लाइट बिजली और ये CCTV यहाँ पर देखिए, आईना भी है, आप अपना चेहरा वगैरह देख करके झाड़ सकते हैं और पानी पी सकते हैं। बाकी दरअसल एक चीज़ और बताइए, पटना में और कहाँ कहाँ ऐसा बनता है? पटना में हर जगह चौक चौराहा पर ठंडा के मौसम में रेन बसेरा उपलब्ध किया जाता है। अच्छा, पूरा ठंडा भर ऐसा रहेगा ना? हाँ, ठंडा भर रहता है। कुछ जगह भी है कि सब दिन के लिए भी व्यवस्था
दे दिया गया है। अच्छा, चलिए इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।